नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कट ऑफ सीरीज के तीसरे वीडियो में हम लोग बीएचयू बीएएलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बहुत बेसब्री से आप सभी को इंतजार था। इसके पहले जो हमारे दो वीडियोज गए हैं कट ऑफ सीरीज का, एक है बीएचयू बीए आर्ट्स और दूसरा है बीएचयू बीए सोशल साइंस, उन सभी के कॉमेंट में बार बार एक कॉमेंट आ रहा था कि सर हमें इस कोर्स का जानना है। कोई बीएससी के लिए पूछ रहा है, कोई बायो के लिए, कोई मैथ के लिए, कोई बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, कोई बीकॉम की बात कर रहा है। उसमें एक जो कट ऑफ पे वीडियो डिमांड की जा रही है वो है बीएचयू बीएएलएलबी, जिसको हम लोग ब्लैट बोलते हैं, और ये बीएचयू बीएएलएलबी 5 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक एलएलबी 3 साल का भी होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो अपना डाउट क्लियर कर लेना और मैं आपको एक बार रिव्यू देता हूं स्लाइड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहो कितनी बड़ी एनालिसिस है। आज मैं आपको मेन चीज मेथोडोलॉजी बताने वाला हूं, रेफरेंस बताने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले बच्चे कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सर हाउ टू डिफाइन, मतलब आप अभी से कैसे बता देते हो। तो ये आपको बहुत जानना चाहिए कि मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकली आपके सामने आ रहा है पूरा बात, बहुत ही लॉजिकली आप इसको देख सक रहे हो। तो बहुत ही लॉजिकली हम लोग इसको जानने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग? तो आप लोग को एक टारगेट मैं दिया हूं, याद है वो टारगेट है बीएचयू पाठशाला का 61,000 कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको पूरे काउंसलिंग तक 50 वीडियोस देने वाला हूं, 50 वीडियो, जिसमें मेरा 4 वीडियो, ये चौथा वीडियो जा रहा है। तो आपको बीएचयू पाठशाला को 1 लाख भी पहुंचाना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है बस मेरे कहने पे मत सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये जितने वीडियो जा रहे हैं ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको नोट्स दिखा दूंगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, ये आज एक्चुअली ये नया नोट्स है, इसके पहले कई सारे नोट्स हैं। ये पूरी एनालिसिस है, जो लोग बार बार बोलते हैं कि सर आप कैसे बोल रहे हो, ये एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम लोग इसको, और ये एक आदमी का मेहनत नहीं है, इसके पीछे हम लोग की बीएचयू पाठशाला की टीम काम कर रही है, कई सारे टीचर से बात कर रहे हैं, लड़कों से बात कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस जो प्रीवियस ये बच्चे हैं बीएचयू में जो पढ़ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। और आपको सबको पता ही है कि बीएचयू पाठशाला पे मैं खुद बीएचयू में ही पढ़ता हूं, तो मैं जो भी बोलूंगा वो एकदम सही बोलूंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा, बोर मत होइए, सीधे हम लोग आते हैं। तो इस टारगेट को कोई नहीं भूलेगा, अगर अभी भी बस सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको भी बहुत प्राउड फील होगा जब आप बीएचयू पाठशाला के 100K के परिवार के हिस्सा बनोगे, ठीक है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं ब्लैट के बारे में, बीएचयू बीएलएलबी के बारे में। सबसे पहले यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सीट्स कितनी हैं। देखो इसको बोलते भी हैं फैक्ट्री ऑफ जजेस भी बोला जाता है, अपने आप में बहुत बहुत ही, मतलब एक तरह से इसकी जो रिकमेंडेशन है, जो इसका एक वैल्यू है बहुत हाई है। और मैं आपको बता दूं कि कभी मैं आपको घुमा दूंगा, अभी उसकी फंडिंग भी अलग से जनरेट हो रही है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इलाहाबाद वाले, वो यहाँ पे अभी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे अपना एक सेमिनार अरेंज किया था, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। बात मैंने, क्योंकि मुझे देखो मैं बहुत टॉक करता हूँ, बहुत बच्चों से बात करता हूँ, मुझे जो सबसे अच्छी फीलिंग आई है वो IIMS के बाद BLLB बच्चों से आई है, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल टॉक है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग इसका हिस्सा बनो, लॉ में एडमिशन लो। सीट्स कितनी है? 72, बहुत कम सीटें हैं, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी मुश्किल से 3-4-5 साल पहले ही हुआ है, आई थिंक 16 में हुआ है, ज़्यादा सीटें अभी नहीं है, कोशिश होगी कि सीट बढ़ाई जाए। मैं कभी अगर मेरी भीसी साहब से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सर इसकी सीट बढ़ाई जाए। और ये बस फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में है, कहाँ पे है? ओनली फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में है, यानी BHU के किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में नहीं है, MMB में नहीं है, DAV में नहीं है, RGSC में नहीं है, VCW, VKM में नहीं है, यानी किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में आपको सीट ऑफ BLLB अवेलेबल नहीं मिलेगा। कितनी सीटें हैं? अबाउट 72। उसमें भी आपको एक बात ध्यान देना है, देर आर नो एनी पेड सीट्स, यहाँ पे पेड सीट भी नहीं है। पेड सीट क्या होता है, बस इतना समझ लो कि BHU में अगर आपको एक्सेस यानी एक्स्ट्रा पैसे देके एडमिशन लेना हो, लेकिन वो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा, तो वो एक अलग कैटेगरी होती है जिसको पेड सीट बोला जाता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे देके एडमिशन ले सकते हो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान देना कि इस कोर्स में तो पेड सीट भी नहीं है, ठीक है, यानी बस आपके जो यहाँ पे 72 वैल्यू लिखी गई है ये आपकी फिक्स वैल्यू है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इस बार यानी 2022 में जो CUET है उसके इफेक्टिव सेक्शंस कौन कौन से हैं,
ठीक है। और हाँ यहाँ पे EW, हाँ रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा समझ लो कि 72 जो सीट है इसमें रिजर्वेशन पूरा एज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन है वो फॉलो होता है, यानी OBC का जो रिजर्वेशन है आपका, ST SC का जो रिजर्वेशन है, उतना ही नहीं न्यू इम्प्लीमेंटेशन जो आपका EWS है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो भी यहाँ पे 12% लागू होगा। ठीक है, तो उसके लिए डाउट अगर आपको होगा तो कभी बोलोगे तो मैं इसको अलग से बता दूंगा कि रिजर्वेशन कैसे काम करता है BHU में। CUET का इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जानो कि लैंग्वेज जो इफेक्टिव सेक्शन है वो लैंग्वेज लेना था, आपको एटलीस्ट वन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज के च्वाइसेस थे जिसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करना था, तो एक ही लैंग्वेज होगा ध्यान देना। ठीक है, इफेक्टिव सेक्शन के लिए कितना है, वन लैंग्वेज। वन डोमेन, क्या है डोमेन में, लीगल, ध्यान देना जो बच्चे लीगल लिए होंगे वही एलिजिबल हैं आपके BHU BLLB के लिए, खास में साथ में आपके GT यानी जनरल टेस्ट, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 एंड 60 टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 140 क्वेश्चन, जिसके लिए टाइम रिकमेंड किया गया था वो किया गया था 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यानी 150 मिनट, 150 मिनट। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किन दो सेशन के बीच में, 2021-2022। यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा मैं मेथोडोलॉजी समझाने वाला हूं, समझ रहे हो मेरी बात, ये एक रिसर्च है। जैसे बार बार अगर आपको ये डाउट हो जाता है कि इन पे भरोसा कैसे करें, तो भरोसा करने का रीजन मैं दूंगा तब आप भरोसा करना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स में, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे 2021 का डेटा है और ये हमारे पास 2022 का डेटा है। ठीक है, जिसको हम लोग बस चलते नजर से देख लेते हैं पहले, तो वो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि 2021 में पूछा गया था। ध्यान देना जब 2021 में पेपर कराया जा रहा था तो फॉर्म तो BHU फिलअप करवाया था, लेकिन जो पेपर देने का ठेका दिया गया वो NTA को ही दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से अगर उस साल के भी पेपर के बारे में अगर बात किया जाए तो बच्चे बार बार रिव्यू में देंगे कि पेपर इजी ही था, लेकिन इस बार भी पेपर NTA ही कराया है और इस बार भी बच्चों से जब मैंने बात करी है तो जो रेफरेंस निकल के आया है वो बार बार मॉडरेट या इजी, कोई हार्ड नहीं बोल रहा है। यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात, अच्छा टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 21 में 150 और 22 में 140। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 600 और यहाँ पे 700, क्योंकि ईच क्वेश्चन जो कैरी मार्क्स था वो यहाँ पे 4 था, यानी 2021 में 4 था और 2022 में 5 था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 और 1/5, यहाँ पे 1/5 यहाँ पे 1/4। टोटल टाइम आपको मैं पहले बता दिया हूँ, यहाँ पे 120 मिनट मिला यानी 2 घंटे मिला और यहाँ पे 150 मिनट मिला यानी 2.5 घंटे मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओके थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं, यहाँ पे मेरे को बताया भी जा रहा है। हाँ, सिलेक्शन परसेंट जो है वो 76% है और करेक्ट क्वेश्चन नीडेड जो है वो 114 है, 2021 का डेटा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि इसका रिजल्टेंट हम लोग लास्ट में निकाल के लाएंगे कि इस बार कितना रिक्वायरमेंट होगा। अब हम लोग आते हैं सीधे कट ऑफ 2022 पे, ये सबसे आपका कोर पॉइंट है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो और बाद में धीरे धीरे वीडियो को देख के समझो। पहला चीज है जनरल EWS OBC एंड ST SC, जिसमें मेरा प्रेडिक्शन 2021 में था, मैं देखो यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, मेरा वीडियो भी है, आप बस इतना सर्च कर लो नीट सर BHU BALLB कट ऑफ, वो वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो के थंबनेल पे ही ये पूरे डेटा लिखे हुए हैं। अगर ये डेटा गलत होगा तो आप मुझे बताना, कोई बात छुपाई नहीं जा रही है। और ये देखो कि मेरी प्रेडिक्शन 2021 में ऑफिशियल आंसर के आने से पहले क्या था और फिर ऑफिशियल जब आया तो वो क्या था, और 2022 में मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्या है वो आप देखो, अगर इसमें कहीं भी करेक्शन आपको दिखे तो मुझे बताओ, नहीं दिखेगा, क्योंकि जो बात बताई जा रही है बहुत रिसर्च से बताई जा रही है, एनालिसिस से बताई जा रही है, कई जगहों से इंफॉर्मेशन निकाल के बताई जा रही है, तो आपके को भरोसा करना पड़ेगा। अब यहां पे बात करते हैं कि जनरल के लिए जो माय प्रेडिक्शन, जो मेरा प्रेडिक्शन उस समय था वो था 470, कितना था 450, 450 मार्क्स था, ये मार्क्स है। अगर हम लोग इसको ऑफिशियल में ले जाएं तो यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग आई थी वो आई थी 470, मतलब फर्स्ट रैंक 470, लेकिन जब हम लोग उसके टॉप 12 बच्चों को लेते हैं तो वो आता है 443, और 470 और 43 का एवरेज निकालोगे तो आएगा 456, मैं बताया 450, यहाँ पे आया 456, समझ रहे हो, यहां पे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, 5 ऊपर नीचे क्वेश्चन चलता है, एक ही क्वेश्चन का डिफरेंस आया आप देख लो। और ये भी प्रूफ हो जाएगा अगर आप इसमें इंप्लाई वर्ड, आप इसमें स्पोर्ट्स कोटा, अगर ये सब बाकी के जो रिजर्वेशन है वो अगर इंप्लीमेंट कर दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं EWS 440, ठीक है। EWS का प्रेडिक्शन मैंने ज्यादा नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने मतलब ऑफिशियल में नहीं किया है, लेकिन माय प्रेडिक्शन में मैं आगे करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी एनालाइज नहीं कर रहा हूं, इसको एनालाइज अभी करना है या बाद में करना है, साथ में कर दे, ठीक है। तो जनरल के लिए 450, ठीक है, ऑफिशियल आया इतना। और उसके बाद जो माय प्रेडिक्शन है वो है 535, कितना है 535। ये कैसे आया इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। 535 क्योंकि ये है आउट ऑफ 600, ये है आउट ऑफ 700, कितने में है, ये है आउट ऑफ 700, ये 700 में प्रेडिक्ट किया गया है और ये उस समय 600 में ही था। तो जब आप इसका परसेंटेज 600 में निकालोगे तब वो आएगा 76% जो कि जनरल के लिए था। तो ये जब 700 पे 76% निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपका 535। यानी अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पे नोट करो, जनरल के बच्चे जो हैं उनको चाहिए 107 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन चाहिए, 107 क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इस इट मींस अगर आप 107 क्वेश्चन सही कर लोगे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद EWS की बात करें तो वो 15 क्वेश्चन ऊपर नहीं, 15 नंबर ऊपर नीचे कर लो, यानी मुश्किल से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लो, तो 530 से लेके 545 सॉरी कितना है, हाँ, के आसपास आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ये है आपका EWS के लिए। अगर हम लोग OBC की बात करें तो 425 जो कि ऑफिशियल जब आया तो वहां पर आया, 434 जो है वो फर्स्ट रैंक पाया था। सोचो कि ये 13वां रैंक है, और मैं बता दूं कि इसका मतलब 1 से लेके 12 तक कोई ओबीसी था ही नहीं, पूरे जनरल के बच्चे टॉप किए थे, ये पिछला रिकॉर्ड है। तो इसमें ओबीसी का जो आया एवरेज निकल के वो 429 आया, मैंने कितना लिखा 425। आप खुद देख लो कि कहीं भी, और इसमें जो क्वेश्चन जो रैंकिंग है मैं 1 से लेके 4 का निकाला हूं, यहां पे जो मैं निकाला था 1 से 12 तक का निकाला था, देख रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि एकदम प्रूव हो गया, जितना प्रेडिक्शन मैंने दिया था वही प्रेडिक्शन ऑफिशियल में लगभग आया है, बस मुश्किल से 1-2 नंबर का डिफरेंस आया। यहां आया 429 और मैंने लिखा 425, यहां आया 456 मैंने लिखा 450। कहने का मतलब यह है कि एकदम प्रूव हो रहा है कि जो प्रेडिक्शन है वो सही जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस बार का प्रेडिक्शन देना है तो वो आएगा 500 मार्क्स, कितना आएगा 500 मार्क्स, यानी 71 करेक्ट परसेंटेज। ये अगर मैं कन्वर्ट करूं आपके क्वेश्चन में तो वो हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। यानी जो भी ओबीसी का बच्चा है अगर इस बार वो 100 क्वेश्चन सही करता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसको BHU BLLB मिल जाएगा। अगर हम लोग SC की बात करें तो मेरा प्रेडिक्शन उसमें 400 था, ST की बात करें तो 380, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन उसमें जो ऑफिशियल डेटा आया था वो 343 फर्स्ट रैंक पे था, ध्यान देना, और 351 पे फर्स्ट रैंक था ST का। ये देखो कि ST जो है वो फर्स्ट रैंक ST से ज्यादा है, जैसे कि अब इस चीज को समझ लो, जरूरी नहीं है कि 470 जो इस बार जनरल था, जब इस बार रिजल्ट डिक्लेयर हो तो 470 वाला जनरल ही हो सकता है ST का लड़का टॉप करके इस बार 500 प्लस में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है ओबीसी का लड़का टॉप करके वहां चला जाए। तो कभी भी उसके वैल्यू से आप ये नहीं रिकमेंड कर सकते कि जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा कि लो जाएगा, क्योंकि जब ये 470 वाला लड़का टॉप किया तो 143 आने में 12 लड़के की ही बीच में रैंकिंग आई है। तो इस चीज को रिसर्च में आप लोग मेथोडोलॉजी को समझोगे तब समझ पाओगे कि टॉप रैंकिंग से हम लोग इसको एग्जामिन नहीं कर सकते। हमेशा टॉप रैंकिंग काम आता है जब परसेंटाइल बनाना होता है। यहां पे परसेंटाइल का बहस काफी जगहों पे सुनने को मिल रहा है, अगर वो ऑफिशियली प्रूव हो जाता है तो मैं उस पर बात करूंगा, अभी वो प्रूव नहीं है। और वैसे भी परसेंटाइल में वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि परसेंटाइल तब यूज होता है जब उसके बाद कोई एक और एग्जाम उनको लेना हो। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है आपका, कोई दोबारा एग्जाम होना नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि परसेंटाइल नहीं आएगा, फाइनली आपके मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। और इनका जो प्रेडिक्शन है वो इस बार वो है 399, कितना है 399, यानी 400 मान लो, जो परसेंटेज है वो 57% है। और इस 57 को अगर आप इस बार के 700 मार्क्स में अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हो तो वो निकल के आएगा 79। आप इसको अप्रॉक्स में 80 क्वेश्चन ले सकते हो, यानी अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो और आपको CUET आप दिया है, BHU BLLB आपको लेना है, तो आपको 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद लड़कियाँ क्वेश्चन करेंगी कि सर हमारा क्या है, हमारे यहाँ मेरे को तो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया। देखो, आप चाहे जनरल में आते हो, EWS OBC ST SC में आते हो, इसमें लड़कियाँ भी आती हैं, तो ये जो कैटेगरी वाइज है ये दोनों जेंडर को लेके देख के बनाया गया है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपका 33% रिजर्वेशन है जो आपको मिलेगा जब भी होगा, 72 का 33% लड़कियों को मिलना ही है और वो भी इसी कट ऑफ को फॉलो करते हुए ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं,
अब बात आती है कि सर इतनी बातें तो हो गई और रियली ये बहुत डिफिकल्ट था समझना, बड़ा पेचीदा है, आपने बड़ी मेहनत करी है, लेकिन सर मेरे को बस इतना बता दो कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सा मार्क्स है जो मैं, मुझे बता दो और मैं उसको काउंट कर लूँ और मैं ये समझ लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सेफ जोन, जो कि हर बार मैं बात करता हूँ सेफ जोन क्या है। तो मैं चाहूँगा प्लीज यहाँ पे एक बार मेरा सेल्फी क्या बोलते हैं उसे एक स्क्रीनशॉट ले ले यार, और इसको आप लोग अपने स्टेटस पे लगाएं इस वीडियो के साथ। सो प्लीज़ मैं कौन सा पोज दूँ हाँ 100K मैं चाहूँगा कि ये आप लोग मेरा एक स्क्रीनशॉट लें और अपने स्टेटस पे लगाएं और 100K लिखें और प्लीज़ सपोर्ट करें बीएचयू पाठशाला को। तो सेफ जोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, फाइनली गाइस रेडी हो जाओ। 107 इज माय लकी नंबर एवरीवन, आई थिंक लास्ट ईयर बच्चों पता है 107 आपको सेफ जोन लाना है। एक्चुअली ये सेफ जोन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, जनरलाइज कैटेगरी के लिए है, यानी जिस कैटेगरी में लड़का भी आता है, जिस कैटेगरी में लड़की भी आती है, जिस कैटेगरी में जनरल भी आता है, उसी कैटेगरी में ओबीसी भी आता है, उसी में एसटीएससी आता है, EWS आता है, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अगर अपना एडमिशन 100% श्योर करना है इस बार 2022 में, तो आपको लाना पड़ेगा 107 क्वेश्चन सही करके 535 नंबर। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा जो डिस्कशन है, जो कन्वर्सेशन है, जो एनालिसिस है, जो मैंने मेथोडोलॉजी, जो मैंने रेफरेंस आपको बताया है, उस पर आपको भरोसा भी होगा और बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर करोगे। आप अगर आप लोग को उसके बावजूद प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कॉमेंट्स गाइज, आप एकदम फ्री हो, ठीक है, और मैं सब बता रहा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट है आप लोगों का क्योंकि आप लोग लॉ में एडमिशन लेने जा रहे हो, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो बनने वाले हो ना वो ऐतिहासिक होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है यार, वो 90% यहाँ पे क्या है, एक मिनट, सेव्ड, हाँ, क्योंकि आपको इसलिए इसमें जाना है क्योंकि आपको इंडिया में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको सही करना है यार। भारत में जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसमें बहुत गड़बड़ी है, आपके कंधे पे एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, समझ में आ रहा है, और अभी तो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक लूप मिल चुका है, गैप है, जिसमें आप जाके अंदर जाके पोजिशन बनाओ, उसमें जाके बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत मजा है इसमें। मैं कभी इसमें बाद में डिस्कस करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। सो गाइज प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू से सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार, आप सभी को, मुस्कुराते रहिएगा।